दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जीवन दायिनी गंगा के समानांतर बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से जहां एक तरफ लोगों को सुविधा होगी, वहीं दूसरी तरफ विकास को नए पंख लग जाएंगे। सुगम यातायात और एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश के विकास को नया आयाम देगा। गंगा एक्सप्रेसवे NH 58 से मेरठ से प्रारंभ होकर NH 2 पर ग्राम जोड़ापुर डांडो के समीप समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 36,404 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जिलों को विशेष लाभ मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे की अन्य एक्सप्रेसवेज से भी कनेक्टिविटी होगी, जिससे कि सुगम यातायात सुनिश्चित होगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 7 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, जिससे कि इस एक्सप्रेसवे के समीप स्थित गांवों के निवासियों का आवागमन सुगम हो सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि को चिन्हित करते हुए उसके अधिग्रहण और क्रय किए जाने की कार्यवाही जोरों पर चल रही है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद मेरठ से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक सुगम और द्रुतगामी आवागमन संभव हो पाएगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से हल्दिया से वाराणसी तक गंगा में अंतरराज्यीय जलमार्ग संख्या 1 के माध्यम से आने वाले सामानों को आसानी से और तेज गति से प्रयागराज होते हुए दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों तक भेजा जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर 7 रेल ओवर ब्रिजेस बनेंगे, 14 दीर्घ सेतु बनाए जाएंगे, 28 फ्लाई ओवर्स का निर्माण होगा। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर 127 लघु सेतु और 375 अंडरपासेस का निर्माण भी किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक त्वरित एवं सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास NH 27 गांव जैतपुर के पास से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ जिले में खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 91.352 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ जिले के लोगों को अधिक फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन चौड़ा होगा, जो 6 लेन तक विस्तारणीय होगा। इस एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर्ड रूप में बनाई जाएगी, जिसे परियोजना के आसपास के गांवों के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 टोल प्लाजा, 3 रैंप प्लाजा, 7 फ्लाईओवर्स, 16 व्हीक्यूलर अंडरपास, 50 लाइट व्हीक्यूलर अंडरपास, 35 पेडेस्ट्रियन अंडरपास और 389 पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 5,876 करोड़ रुपए और सिविल निर्माण की अनुबंधित लागत 3,024 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इसे 2 पैकेजेस में विभक्त किया गया है। पैकेज 1 का निर्माण कार्य 2020 से और पैकेज 2 का निर्माण 2020 से शुरू कर दिया गया था। अब तक 90% क्लियरिंग एंड ग्रबिंग और 24% मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 10% पूर्ण कर ली गई है। इस परियोजना को पूर्ण करने की संभावित समयावधि अप्रैल 2022 है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक त्वरित एवं सुगम यातायात कॉरिडोर से
जुड़ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस एक्सप्रेसवे के प्रवेश नियंत्रित होने से वाहनों के ईंधन खपत में महत्वपूर्ण बचत, समय की बचत एवं पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण भी संभव हो सकेगा। इस परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेस वे से आच्छादित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उत्पादन इकाइयां, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। इस एक्सप्रेस वे के निकट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर सुलभ होंगे। ये एक्सप्रेस वे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण गृह, मंडी तथा दूध आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।